एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने सिटी वन से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि लोगों की जागरूकता की वजह से टप्पेबाजों से लोग होशियार हो गए हैं, जिसमें स्थानीय मीडिया की भी अहम भूमिका है। बाहर से कुछ लोग हैं जो अपने आप को कभी पुलिस वाला, कभी बैंकर या कुछ और बता करके लोगों से धोखाधड़ी या चीटिंग करके या छीन करके पैसे भाग जाते हैं, या कोई मूल्यवान वस्तु छीन लेते हैं या जालसाजी कर लेते हैं कि आप हमें ऐसा कर दीजिए तो हम वैसा कर देंगे। और चूंकि पुलिस हर जगह हर समय हर वक्त पर नहीं हो सकती है, तो इसमें जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत जनता का शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी अदा करते हैं कि पिछले दिनों में गोरखपुर में इस तरह की दो घटनाएं होने से बच गई और दो लोग पकड़े भी गए इसमें। ये एक तरह से जन जागरण की तरह ही है, अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। जैसे हम कहते हैं बीमारी के लिए कि ऑलवेज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो टप्पेबाजी भी किसी भी कोने में कहीं भी कोई आदमी किसी को जालसाजी बातों में उलझा करके काम करा रहा होगा कुछ, तो इससे अवेयरनेस से ही फर्क पड़ता है ज़्यादा। और हमारे पुलिस मैनुअल और रूल्स में भी ये चीज़ें हैं कि हम मुनादी करवाते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, इनाम घोषित करते हैं, इस तरह की बहुत सारी टैक्टिकल और हमारी प्रोफेशनल ये इस तरह के तरीके हैं, मेथड्स हैं जिनके जरिए अपराध पर नियंत्रण पाया जाता है।